नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीतिकाल थोड़ा सा लंबा है, मैं सोच रही हूँ इसमें जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं बहुत जल्दी से पढ़ दूंगी और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ठीक से समझाती चलूंगी। हम लगभग 200 किताबें पढ़ 200 पन्ने रामचंद्र शुक्ल जी के पढ़ चुके हैं, है ना। 200 पृष्ठ हमारे पूरे हो गए हैं। सभी कमेंट्स करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के अंदर बहुत धैर्य है कि इतनी बड़ी किताब को आप इस तरह से पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुलपति मिश्र ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे थे। ठीक है, महाकवि बिहारी के भांजे। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति मिश्र जयपुर के महाराज जय सिंह बिहारी के आश्रयदाता, मतलब जो जय सिंह थे वो बिहारी के आश्रयदाता थे और उनके पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में कुलपति मिश्र रहते थे, भांजे भी थे। इनके रस रहस्य का रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। ठीक है, अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है, रस रहस्य कुलपति मिश्र। पर खोज में इनके निम्न ग्रंथ और मिले हैं। कौन कौन से ग्रंथ मिले जल्दी देख लेते हैं। द्रोण पर्व संवत 1637, युक्ति तरंगिणी 1643, नक्षिक संग्रह सार, गुड़ रस रहस्य 1724 का है। अतः इनका कविता काल 1724 से 1743 के बीच ठहरता है। रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। ठीक है, इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। रस्य रहस्य काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए ये स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिए ये पद उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव इन्होंने किया। इससे इन्होंने कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा है ना, पर गद्य परमार्जित ना होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने ये अपना ग्रंथ पूरा लिखा वह भी ना हुआ। उस समय ज़्यादातर चीज़ें पद्य में ही लिखी जाती थी, अभी आपको बताया गया। इन्होंने गद्य लिखने की कोशिश तो की लेकिन गद्य की भाषा परमार्जित ना होने की वजह से इनका ग्रंथ पूरा नहीं, मतलब जिस उद्देश्य से इन्होंने ये ग्रंथ लिखा कि थोड़ा सा प्रौढ़ ग्रंथ लिखा जाए, वो काम ये ना कर सके। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए हैं वह स्पष्टता इनकी ब्रजभाषा गद्य पद्य में ना आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य रचना दुरूह हो गई है, मतलब उन्हें समझना ही मुश्किल हो गया है। यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भावादि निरूपण में लक्षण और उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्य प्रकाश के ही दिए हैं, पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा में स्वरचित उदाहरण दिए हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अलंकार निरूपण में राजा राम सिंह की प्रशंसा की है, तो आप इनको, इनके आश्रयदाता को ध्यान रखिएगा। ये ब्रजमंडल के निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा का पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए, हमारा अनुमान है। यहाँ इसको अधिक स्वच्छंदता रही होगी, वहाँ उनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमूना दिया जा रहा है। ऐसी ये कुंज बनी छव पुंज रहे अली गुंजत यो सुख लीजिए, नैन विशाल हिये बनमाला बिलोकत रूप सुधा भरी पीछे, जामिन जाम की कौन कहे जुग जात न जानिए ज्यो छिन जिन छीजे, आनंद यो उमग्यो रहो पिये मोहन को मुख देखी बो कीजे। ठीक है, कुलपति मिश्र के बारे में इतना ही। आगे चलते हैं सुखदेव मिश्र के बारे में। सुखदेव मिश्र दौलतपुर जीरा राय बरेली में इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन व्रत सरस्वती पत्रिका में लिखा, यानी कि सुखदेव मिश्र महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही गांव के निवासी थे। सुखदेव मिश्र का जन्म कंपिला था, जिसका वर्णन इन्होंने अपने व्रत विचार में किया है। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जा सकता है। इनके 7 ग्रंथों का अब तक पता चला है।
सुखदेव मिश्र के व्रत विचार संवत 1628, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश जो संवत 1755 का है, और दशरथ राय। अब दशरथ राय देकर अगर आपको नाम पूछ दिया जाए तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, देख लीजिए दशरथ राय सुखदेव मिश्र का है। अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही हैं, जिससे ये जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निष्प्रह विरक्त साधु के रूप में रहते थे। काशी से विद्या अध्ययन करके लौटने पर असोधर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची तथा डोंडिया खेरे के राव मर्दन सिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों ये औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली शाह के यहाँ भी रहे। ठीक है, वो फाजिल अली प्रकाश लिखी है ना, फाजिल अली शाह ये औरंगजेब के मंत्री थे। अंत में मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ गए, जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुटुंब दौलतपुर जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी है। उपाधियां पूछ ली जाती हैं, राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी है। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था, इनमें आचार्यत्व भी था और ये कवि भी थे। छंद शास्त्र में इसका विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। ठीक है, दो नमूने लीजिए। ननद निनारी साधु सासु मई के सिधारी, अहे रैन अंधियारी भरी सूझत न करू है। पीतम को गौन कवि राज सौहत भौन, दारुन को दारुन बहुत पौन लग्यो मेघ झरू है। संग न सहेली बैस नवल अकेली, तन भरी तल बेली माह लग्यो मैन सरू है। भई अधी रात मेरो जियरा डरात, जागु जागु रे बटोरी यहाँ चोरन को डरू है। ठीक है, जो है जहाँ मग नंद कुमार, तहाँ चले चंद मुखी सुकुमार है। मोती निको ही कियो गहनो, सब फूल रही जन कुंद की डार है। भीतर ही जो लखी जो सो लखी, अब बाहिर जाहिर होती नदार है। जो जोन से जीन है गई मिलियो, मिल जात जो दूध में दूध की धार है। ठीक है, कालिदास त्रिवेदी ये अंतवेद के रहने वाले कानकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विशेष व्रत ज्ञात नहीं जान पड़ता। संवत 1745 वाली गोल कुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया। ये औरंगजेब की प्रशंसा का वर्णन है, इसको ध्यान रखिएगा, और किया कालिदास त्रिवेदी जी ने है। ठीक, गढ़न गढ़ी से गढ़ी महल, मढ़ी से मढ़ी बीजापुर लोप्य दलमत सुघराई में। कालिदास को प्यो वीर औलिया अलमगीर, तीन अवतार वारी गी पूहुमी पराई में। बूंदी ते निकस मही मंडल घमंड मची, लोहू की लहारी हिमगिरी की तराई में। गाड़ी के सुगंडा सुझंडा आड़, कीनी बाद साह ताते डगरी चामुंडा गोल कुंडा की लड़ाई में। ठीक है, सॉरी। कालिदास का जम्बू नरेश जोग सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है। इनके संवत इसके जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वर वधु विनोद बनाया। ये नायिका भेद और नक्सिक की पुस्तक है। 32 कवित्वों में इसकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीराबाद भी है। इसके अलावा राधा माधव मधु मिलन विनोद नाम का एक कोई और ग्रंथ इनका खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका एक बड़ा संग्रह कालिदास हजारा बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिव संग सरोज में लिखा है कि इसमें संवत 1481 से लेके 1481 से लेके संवत 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित हैं। कालिदास हजारा की ये महत्वता है, ध्यान रखिएगा। संवत 1481 से लेके 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद्य इसमें संग्रहित हैं।
कवियों के काल आदि के निर्णय में ये ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कवींद्र और पौत्र दूल्हा भी अच्छे कवि हुए। ये एक अभ्यस्त कवि और अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित्त इधर उधर बहुत सुने जाते हैं, जिनसे इनकी सहृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं। चूमो कर कंज मंजु अमल अनूप तेरो रूप के निधान कान मोतन निहारी दे। कालिदास कहे मेरे पास हरे हेर हरी माथे धारी मुकुट लकुट कर डारी दे। कुंवर कन्हैया मुख चंद के जुनहिया चारु लोचन चकोरन की प्यासन निवारी दे। मेरे कर मेहंदी लगी है नंद लाल प्यारे मेरे कर मेहंदी लगी है नंद लाल प्यारे लट उर्जी है नेक बेसर संहारी दे। हाथ हस दीनों भीत अंतर परसी प्यारी देखत ही छकमती कानर प्रवीण की। निकस्यो झरे को मांज बिगस्यो कमल सम ललित अंगूठी तामे चमक चुनिन की। कालिदास तैसी लाल मेहंदी की बूंदन की चारुनक चंदन की लाल अंगूरिन की। कैसी छव छा जाती है छाप की और छालन की सु कंकन चुनिन की जड़ाऊ पहुचीन की। बात करते हैं राम शिव सिंह सरोज में इनका संबंध, ये मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ तो कम ही पूछा जाता है। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संबंध 1703 में लिखा है। कहा गया है कि इनके पिता इनके कवित्त कालिदास हजारा में भी हैं। इनका नायिका वेद का एक ग्रंथ श्रृंगार सौरभ है, जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में इनका एक हनुमान नाटक भी इनका पाया गया है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल 1730 के लगभग माना जाता है। इनका एक कवित्त नीचे दिया गया है। उमड़ घुमड़ घन छोड़त अखंड धार चंचला उठती तामे तरज तरजी के। बहरी पपीहा भेक पिक खग टेरत है धुनि सुनि प्राण उठे लरज लरजी के। कहे कवि राम लखी दम चमक खगो खदोतन की प्रीतम को रही में बरज बरज के। लागे तन तावन की बिनारी मन भावन के सावन दुवन आयो गरज गरज के। निवाज ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे किसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते, सुन लीजिएगा। जिस पर भगवत कवि ने ये फप्ती छोड़ी थी, ये निवाज थे है ना, भगवत कवि थे तो फप्ती क्या छोड़ी थी सुनिए। भली आज कल करत हैं छत्रसाल महाराज जहां भगवत गीता पढ़ी तहां कवि पढ़त निवाज। शिव सिंह ने निवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 है और दो निवाज हुए हैं जिनमें एक भवंत राय खींची के यहाँ थे। वस्तुतः प्रस्तुत निवाज औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के यहाँ भी रहना पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा चौपाई और सवैया आदि छंदों में लिखा। इनके फुटकल कवित्त बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिसमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परमार्जित व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं। संयोग वर्णन के श्रृंगार की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिनमें कहीं कहीं अश्लीलता की सीमा के भीतर पड़े हैं। दो सवैये उद्धृत किए गए हैं, ठीक है। देख हमें सब आपस में जो कछ मनु भावे सोए कहती हैं। ये गहराई लुगाई सब निस्द्योस नवाज निवाज हमें दहती हैं। बातें चवाब भरी सुन के रिस आवती पैचुप हवे रहती हैं। कान पियारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हसीबो सहती हैं, ठीक है।
आगे तो की नहीं लगा लगी लोयन कैसे छिपे आजहु जो छिपावत। तू अनराधा को सोधा किए ब्रज की बनिता सब यूं ठहरावत। कौन सकोच रहो है निवाज तू तर से उन्हें उनहु तरसावती। बावरी जो कलंक लगे तो उनकी निसंक हवे क्यों नहीं अंक लगावती। इसके बाद बात करते हैं देव की। ये इटावा के रहने वाले सनाढ्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कार्य कुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न पूरा किया है, पर इनका पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास का रचना काल इन्होंने 1746 दिया है और उस ग्रंथ के निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 वर्ष ही कही है। भाव विलास देव ने 16 वर्ष की अवस्था में लिख दिया था, ध्यान रखिएगा। इसका इस हिसाब से इनका जन्म 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका कुछ और वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमानित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालयापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहे पर कहीं जमे नहीं। इसके कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असमंजस्य है ना। इन्होंने अष्टायाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इसके पीछे इन्होंने भगवानी दत्त वैश्य नामक के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा द्योत सिंह वैश्य के यहाँ के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। उसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया है। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई हो ये बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत ये जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले जिनके नाम पर 1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। देखिए जो सबसे अच्छे आश्रयदाता इनको मिले उनके नाम के पे इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम नहीं रखा, रस विलास रख दिया है ना। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की है। जैसे मोतीलाल भूप लाख पोखर ले वैया जिन लाखन खरच रच आखर खरीदे। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखिएगा है ना। क्या बोला है इन्होंने, मोतीलाल भूप लाख पोखर ले वैया जिन लाखन खरच रच आखर खरीदे। ओके चलिए आगे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव ने की है। इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो हो इनके निम्नलिखित ग्रंथ का तो पता है, भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, रस रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक, प्रेम दर्शन। ठीक है, बहुत सारे दर्शन आए हैं इनके में। देव दर्शन नाम रख देना चाहिए इनका नाम तो। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि देव अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। मतलब पुराने ग्रंथों के कवित्वों को एक नए क्रम में रखा और नया ग्रंथ तैयार कर दिया। इसी से वे ही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से ले हुए कवित्वों का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है, नाम से ही पता चल रहा है। अष्टायाम में तो दिन रात के भोग विलास की दिनचर्या है जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। अच्छा, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं।
ये पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व पद के अनुरूप कार्य करने में रीति काल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप से सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रजभाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह ना हो पाई। दूसरा, उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को कोई भी विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश आवश्यक बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है, जो वास्तव में संचारियों में छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। मतलब ये सब पुरानी चीजें हैं, ये नए रूप में ले आए हैं। ये शुक्ल जी उन लोगों पे व्यंग कर रहे हैं। न्यायिकों के तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है, है ना? तात्पर्य वृत्ति किसे मानी, क्या मानी गई है? वाक्य के भिन्न भिन्न पदों के वाच्यार्थ को, है ना, एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं है, वाक्यगत अभिधा ही है। राज संचार छल संचारी व संस्कृत की रस तरंगड़ी से जहां से और बातें ली गई वहीं से लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों के परिचय मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र हैं। संचारी और भी कितने हो सकते हैं? शुक्ल जी ने इतनी बारीकी से सबका निरीक्षण किया है कि किसने क्या कहा है, सब कुछ नजर रखी है उन्होंने। इसीलिए हम लोगों को शायद देखने में थोड़ा सा पर वो होती है। अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ। ये पहले ही शुरू शुरू में बताया गया आपको, पहले वीडियो में रीतिकाल के ही हमें पता चला कि कुछ मौलिक इस काल में नहीं हो सका, सारे के सारे नक्षिक वर्णन में ही लगे रहे। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर कि अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहे तो प्रवीण, बहुत प्रसिद्ध है देव की ये पंक्तियां, ध्यान आपको जरूर याद होनी चाहिए। यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार की क्रिया होती है इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी ने जहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहली बुझौल वाली वस्तु व्यंजना ही जान पड़ती है, ये दोहा लिखते समय उसी विकृत रूप उनके ध्यान में था। मतलब यहाँ पे व्यंजना का जो अर्थ लिया गया है वो पहली बुझौल वाली वस्तु व्यंजना का लिया गया है। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेषता विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे। यहाँ पे शुक्ल जी की भाषा देखिए कितने अलग वर्ड्स लिए उन्होंने। कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि के बीच उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देते थे, है ना? भाषा के स्निग्ध प्रवाह न आने का एक बड़ा भारी कारण ये भी था, है ना? अनुप्रास की वजह से उसमें शब्दों का बड़ा भारी डंबर कर रहे हैं, अंग भंग कर रहे हैं, बड़े पेचीले पेचीले से ऐसी चीजें भी उसमें रख रहे हैं। इससे क्या होता था, उनका पद्य जो है वो कीचड़ में फंसा हुआ छकड़ा बन जाता था। ये भी उनकी इस भाषा में स्निग्धता न होने का एक बहुत भारी कारण था। इनकी भाषा में रसाद्रता और चलतापन बहुत कम पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ बहुत अल्प। ये एकदम नवीन इनकी कमी बताई है, अभी तक आपने देखा ना कहीं नहीं मिली है, देख लीजिए। देव की ये कमी है कि शब्द व्यय बहुत करते हैं, उसमें अल्प बहुत अर्थ बहुत कम निकलता है।
ठीक है। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं असक्त शब्द रखने पड़ते थे जो कभी कभी अर्थ का आच्छान करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते और बिगाड़ते ना थे, वाक्य को का भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ अति प्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह से हो पाया है या उसमें जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है वहां रचना बहुत ही सरस हुई है। मतलब अगर इनकी ये कमी ना होती तो इनकी रचनाएं और ज्यादा सरस होती। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकालीन कवियों में ये बड़े प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दूरारूढ़ हो गई है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। सुनो के परम पद ऊनो के अनंत मध नूनो के नदी सनद इंद्र अझुरी परे महिमा मुनि सन की संपत्ति दिगी सन की ईसन सिद्धि ब्रज बीथ बिथुरी परे भादों की अंधेरी अधिरात मथुरा के पथ पाए के संजोग देव देव की दूरी पड़े पारावार पूरन अपार पर ब्रह्म राशि जसुदा के कोरे एक बारे ही कूरी पड़े दारद्रुम पल न बिछोना नव पल्लवन के सुबन छगुला सोहे तन छव भारी दे पवन झुलावे के की कीर बहरावे देव कोकिल हलावे हुसलावे तकर तारी दे पूरित परागिसो उतारो कर लाई रोन कंज कली नाई का लतान सिर लादी दे मदन महीप जो बालक मदन महीप जो कुबालक बसंत ताही प्रातः ही जगावती जो गुलाब चटकारी दे। इनका तो पढ़ते पढ़ते सखी के सकोच गुरु सोच मृग लोचनी के रिसानी पिया के जो सुहुन नेकु हसी छुयो गात देव भय सुबाए मुसिखाई उठ गए यहाँ सिसक सिसक निसिखोई रोए पायो प्रात को जाने री बीर बिन बिर ही बिरह बिथा हाय हाय करी पछताए न कछ सुहात बड़े बड़े नैनन सो आंसू भर ढरी गोरे गोरे मुख पे औरों सो बिलाने जाते जहर जहर झीनी बूंद है परती मानो घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में आनी कहो श्याम से सोचल चलो झुलिबो को आज फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। अब देख लीजिएगा ये आगे बहुत ज्यादा इनका लिखा हुआ है क्योंकि पंक्तियां ऐसे बोलने से आपको याद भी नहीं होंगी, आपको एक बार देखनी पड़ेंगी। देखिए काफी सारी इनकी पंक्तियां दी हुई हैं, पंक्तियां तो आपको एक बार देखनी पड़ेंगी और इससे पूछी भी जाती हैं। श्रीधर जी को देख लेते हैं, बहुत थोड़ा सा है। श्रीधर या मुरलीधर ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जंगनामा ही प्रकाशित हुआ है जिसमें फक्रुसियार और जहां दर के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है। राधा कृष्ण दास ने, ठीक है, जैसे नायिका भेद चित्र काव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे यानी 1760 के बाद में माना जा सकता है। सुरति मिश्र ये आगरा के रहने वाले कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। जैसा इन्होंने स्वयं लिखा है, सुरति मिश्र कन्नौजिया नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका 1794 में लिखी थी। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जा सकता है। ये नसरुल्ला खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सतसई कवि प्रिया रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं लिखी हैं।
जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रज भाषा गद्य में है। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने बैताल पंचविंशति का ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया है और निम्नलिखित रीति ग्रंथ लिखे हैं, अलंकार मारा, अलंकार माला, रस रत्न माला, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिद्धांत और रस रत्नाकर। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें लक्षण और उदाहरण प्रायः एक ही दोहे में मिलते हैं। हिम सो हर के हास सो जस मालो पर पमठानी, सो असंगति कारण अवर कारज औरो थान, चली अहिश्रुति आनहि इदसत नसत और के प्राण। इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया। नक्षिक में इनका एक कवित्त दिया जाता है। एक सेकेंड, तेरे ये कपोल बाल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है, को न समान जाही कीजे उपमान, बारु बापुरे मधुकन की देह जारियत है, नेकु दर्पण दर्पण समता की चाह करी कहूँ, भय अपराधी ऐसे चित्त धारियत है, सुरति शोक स्याही किते जगत बीच आजहु लो, उनके बदन पर छार डारियत है। ठीक है, चलिए कविंद्र जी को और देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करेंगे। कविंद्र यानी उदयनाथ, ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। अभी कालिदास त्रिवेदी के बारे में पढ़ा है ना, उनके ये पुत्र थे और संवत 1736 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला नाम की इनकी दो पुस्तकों का पता खोज में चला है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रसचंद्रोदय संवत 1804 में बना, अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके आगे कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरु दत्ता सिंह भूपति के यहाँ बहुत दिनों तक रहे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार रस का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसाद पूर्ण है। वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी करते थे। इनके दो कवित्त नीचे दिए जा रहे हैं। सहर मंझार की पहर एक रागी जेहे, छोर पे नगर के सराय है उतारे की, कहत कबिंद मग माझ के परेगी साज, खबर उड़ानी है बठाए बटोही द्वेक मारे की, घर हमरे पर देश को सिधारे, या ते दया के बिचारी हम रीति रह बारे की, उतरो नदी के तीर बर के तरे ही तुम, चौको जनिता चौकी जहां पहरू हमारे की, राजे रसमे की तैसी बरखा समय की, री चढ़ी चंचला नचेरी कचौंद कौंद भारे की, वतिव्रत हारे ही ये पर कत फुहारे, कछु छोर कछु धारे, जलधार जलधारे की, भनत गोविंद भुज कुंज भौन पौन सौरभ सु, काके न कपाए प्राण पर हत पारेरी, काम कुंदिका कु फूल डोरी डोरी डारे मन, औरो किए डारे ये कंदबन की डोरे सी। ठीक है, अब चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। आप लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करिएगा ताकि मैं जो मेहनत कर रही हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फिर से आप लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।